नमक के बिना खाने के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग कम नमक खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा। नमक सोडियम का सबसे अच्छा और सीधा स्रोत है। सोडियम खाना पचाने के साथ ही हमारे पाचन तंत्र को भी सही बनाए रखता है, लेकिन जब लोग सोडियम का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने लगते हैं तो ये शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो आइए अब ऐसे में हम आपको बताएंगे कि नमक सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 तरह का होता है और कौन सा नमक आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस नमक में सोडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। टेबल सॉल्ट में आयोडीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर इस नमक का सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे कई फायदे होते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन हमारी हड्डियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुँचाता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। काला नमक खाने से कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना और जी घबराने जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, इसीलिए इसका सेवन सभी के लिए फायदेमंद है। गर्मी के मौसम में डॉक्टर भी नींबू पानी या फिर छाछ के साथ काला नमक का सेवन करने की सलाह देते हैं। काला नमक भले ही सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद हो, लेकिन इसमें फ्लोराइड अधिक होता है और इसके अधिक सेवन से शरीर को नुकसान हो सकता है। इस नमक को बाजार में पोटेशियम नमक भी कहा जाता है। हालांकि सादा नमक की तरह इसमें भी सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें लो सोडियम सॉल्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हृदय रोगी और मधुमेह रोगी के लिए भी ये नमक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।